नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के केस में वीक फ्रेंड के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ एबेकस पर सब्ट्रैक्शन में किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट फॉर्मूला है -9 = -10 + 1। एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ किस प्रकार से करेंगे हम एबेकस पर कैलकुलेशन करते समय। फर्स्ट एग्जाम्पल है 78 प्लस 7। प्लस 7 करना है तो प्लस 7 का फॉर्मूला होता है +10 - 3 -9। अभी हम यूनिट रॉड पर -9 नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अपर वीट अवेलेबल है जिसकी वैल्यू होती है 5 और हमको माइनस करना है -9। तो हम यूज़ करेंगे बिग फ्रेंड माइनस के फॉर्मूले का जो होता है हमारा -9 = -10 + 1। -10 + 1। नेक्स्ट हमारा +3। +3 आंसर इज 79। 22 + 1 -9 -10 + 1 +5 आंसर इज 19। 2nd फॉर्मूला है -8 = -10 + 2। एग्जाम्पल लेते हैं 42 -8। यूनिट रॉड पर हमारे पास सिर्फ 2 है और हमको करना है -8। तो हमें फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा -10 + 2 + 6 + 10 - 4 + 9 + 9 आंसर इज 49। नेक्स्ट एग्जाम्पल 30 + 9 + 2। प्लस 2 का फॉर्मूला होता है +10 - 8। -8 का फॉर्मूला है -10 + 2 आंसर इज 33। जो हमारा 3rd फॉर्मूला है वह है -7 = -10 + 3। एग्जाम्पल लेते हैं 41 -7। -7 हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 वीट्स अवेलेबल है जिसकी वैल्यू है 1। -7 करना है तो -10 + 3 + 6। +6 का फॉर्मूला होता है +10 - 4 + 2 + 2 आंसर इज 42। +4 का फॉर्मूला होता है +10 - 6 -7 -10 + 3 + 9। +9 का फॉर्मूला होता है +10 - 1 आंसर इज 22। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा माइनस के केस का -6 = -10 + 4। एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। 80 - -6। यूनिट रॉड पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा वीक फ्रेंड के -6 के फॉर्मूले का जो कि होता है हमारा -10 + 4 + 6 + 10 - 4 + 2 + 2 आंसर इज 82। नेक्स्ट एग्जाम्पल 81 + 9। +9 का फॉर्मूला होता है +10 - 1 - 6 -10 + 4 + 8। +8 का फॉर्मूला होता है +10 - 2 आंसर इज 92। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा -5 के लिए। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि -5 = -10 + 4 का फॉर्मूले का यूज़ हम कब करेंगे।
फर्स्ट एग्जांपल है 24 प्लस 7, प्लस 7 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 3, प्लस 9, प्लस 9 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 1, माइनस 5। अभी यूनिट रॉड पर कोई भी बिट्स अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम माइनस 5 के फॉर्मूले का, माइनस 10 प्लस 5, आंसर इज 35। वन नाइन 19 प्लस 3, प्लस 3 का फॉर्म, प्लस 3 के लिए यूज़ करते हैं हम प्लस 10 माइनस 7, प्लस 8 प्लस 10 माइनस 2, माइनस 5, माइनस 10 प्लस 5, आंसर इज 25। नेक्स्ट फॉर्मूला है माइनस 4 के लिए, माइनस 4 इक्वल्स माइनस 10 प्लस 6। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैलकुलेशन में किस प्रकार से करेंगे। 25 प्लस 1 प्लस 4, प्लस 4 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 6। अब हमको करना है माइनस 4, लेकिन हमारे पास यूनिट रॉड पर कोई भी बिट्स अवेलेबल नहीं है तो हम माइनस 4 के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, माइनस 10 प्लस 6, आंसर इज 26। 67 प्लस 5 के लिए प्लस 10 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 का फॉर्मूला होता है माइनस 10 प्लस 6, प्लस 3, प्लस 3 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 7, आंसर इज 71। 3 केस का नेक्स्ट फॉर्मूला है माइनस 3 इक्वल्स माइनस 10 प्लस 7। एग्जाम्पल लेते हैं 26 प्लस 4, प्लस 4 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 6 माइनस 3। अभी यूनिट रॉड पर कोई बिट्स नहीं है तो हम यूज़ करेंगे माइनस 3 के फॉर्मूले का, माइनस 3 इक्वल्स माइनस 10 प्लस 7, माइनस 10 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1, आंसर इज 28। 52 प्लस 8 प्लस 10 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 7 प्लस 1, आंसर इज 58। नेक्स्ट फार्मूला हमारा माइनस 2 इक्वल्स माइनस 10 प्लस 8। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि माइनस 2 फार्मूले का यूज़ हम कब करते हैं और किस प्रकार से करेंगे। पहला एग्जाम्पल है 83 प्लस 5 प्लस 3, प्लस 3 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 7, माइनस 2 करना है लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 बिट्स अवेलेबल है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा माइनस 2 के फॉर्मूले का, माइनस 10 प्लस 8, आंसर इज 89। 25 प्लस 5 प्लस 10 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 10 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 10 माइनस 7, आंसर इज 31। चलिए लास्ट फार्मूला देखते हैं इस केस का, माइनस 1 इक्वल्स माइनस 10 प्लस 9। एग्जाम्पल लेते हैं 23 प्लस 7, प्लस 7 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 3 माइनस 1। यूनिट रॉड पर कोई भी बिट्स अवेलेबल नहीं है तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले का, माइनस 10 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 10 माइनस 8, आंसर इज 31। लास्ट एग्जांपल लेते हैं 54 प्लस 6, प्लस 6 के लिए यूज़ करेंगे प्लस 10 माइनस 4,
माइनस वन, माइनस टेन प्लस नाइन माइनस वन, सिंपल हो जाएगा। आंसर इज 58। तो आज की वीडियो हमने सीखा कि बिग फ्रेंड्स के माइनस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ हम एबेकस पर कैलकुलेशन में किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।